मायसेल्फ डॉक्टर श्यामवीर गुरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम देखेंगे क्लॉटिंग टाइम के बारे में। देखिए क्लॉटिंग टाइम किस प्रकार से करते हैं, क्लॉटिंग टाइम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो ये कैपिलरी मेथड के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट की जरूरत रहती है, लेंसेट, ये लेंसेट होता है, लेंसेट, इसमें फिंगर को प्रेस करके ब्लीडिंग निकालते हैं और कैपिलरी मेथड के द्वारा इसको सक करते हैं। एथेनॉल, इससे क्लीन करते हैं। स्टॉप वॉच के द्वारा टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें देखते हैं इसका डेफिनेशन, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन स्टॉपिंग ऑफ द ब्लीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और फाइब्रिन इज कॉल्ड एज ए क्लॉटिंग टाइम। अब नॉर्मली क्लॉटिंग टाइम होता है 4 से 8 मिनट। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। क्लीन द लेफ्ट फिंगर द स्प्रिट, टेक द फिंगर प्रिक विद लेंसेट, तो लेंसेट को द्वारा प्रिक कर देते हैं। और डू नॉट स्क्वायर द फिंगर, रिपीट द प्रोसीजर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड टिल द प्लेट फाइब्रिन कैन बी बिटवीन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। और इस तरह से ये कैपिलरी होती है, इस ये कैपिलरी को ब्लीडिंग लेके इसको तोड़ते रहते हैं और जहाँ पर ये क्लॉटिंग हो जाती है, फाइब्रिन थ्रेड स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, तो वहाँ पर इसको तोड़ना बंद कर देते हैं और टाइम ड्यूरेशन नोट कर लेते हैं। तो वही ब्लीडिंग टाइम होता है, धन्यवाद, क्लॉटिंग टाइम होता है, धन्यवाद।